वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर में हुई शिवसेना टकसाली नेता सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे आतंकी लखबीर सिंह लांडा ने ली है। सोशल मीडिया पेज लांडा हरिके के जरिए लखबीर सिंह लांडा ने जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट और पेज की न्यूज 18 इंडिया पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये हम पेज में क्या लिखा गया है ये भी आपको बता रहे हैं। कल सुधीर सूरी की हत्या कर दी जाती है। दरअसल जो जानकारी सामने आती है कि वो प्रदर्शन कर रहे थे मंदिर के बाहर, लेकिन उनकी दो लोगों से नोकझोंक भी होती है और उस वक्त मौके से आरोपी को पकड़ा गया था। अब कनाडा कनेक्शन सामने आया है। बढ़ते हैं आगे। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। 12 नवंबर तक सुशील कुमार को अंतरिम जमानत मिली है। सुशील को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने सुशील कुमार को पत्नी के इलाज के लिए मानवता के आधार पर जमानत दी है। आरोपी सुशील कुमार को जमानत देते हुए रोहिणी कोर्ट। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। ने कहा कि दो पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए हमेशा सुशील कुमार के साथ रहेंगे। दिल्ली पुलिस के दोनों जवानों का खर्चा आरोपी सुशील कुमार को ही उठाना होगा। साथ ही कोर्ट ने सुशील कुमार को 10,000 रुपए बतौर सिक्योरिटी जेल सुप्रिंटेंडेंट को जमा करवाने का आदेश दिया है। खबर है कि अमेरिका ने ग्वाम एयरबेस पर अपना A-10C थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। अमेरिका ने बयान दिया कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन इसे उत्तर कोरिया की अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी गई धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है।